मतलब मैंने सीरियल में काम किया है, बंधन सीरियल आता था जीटीवी में, ठीक है, उसमें रोल किया था और रोल भी अच्छा था। तो आप सबको पता है अगर कोई बंदा मतलब सीरियल में काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब ऐसे यहाँ पे है तो एकदम से उसकी स्थिति ये हो जाती है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा होता है। मैंने चाय की दुकान लगाई है, मैंने यार कभी भी नहीं सोचा था जिंदगी में मैं किसी टाइम पर सब्जी की दुकान से ऐसे मतलब सब्जी की जो थैली होती है ना वो पकड़ के नहीं आता था, मेरे को शर्म आती थी। जब लव मैरिज की शादी की ना, तो सारी मतलब पूरा जो भ्रम था ना लाइफ का वो सब कुछ टूट गया। चाय की दुकान मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी, मैंने चाय की दुकान लगाई। यार गाइस मैं चाय की दुकान के बाहर में खड़ा होकर मैं रोता था, मेरे को आज भी वो चीजें याद है। और अभी भी जहां मैंने चाय की दुकान लगाई ना वहां से निकल रहा हूँ, मेरे को वही चीजें याद आती है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर एस जारवाल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज का न्यू ब्लॉग, तबियत खराब हो रखी है, वापस से तबियत खराब होगी। और आप सबको पता है जो सारे भाई है जो मतलब ब्लॉग में कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो बस उन्हीं और आज हम सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। इतने बड़े ब्लॉगर नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो फिर भी पब्लिक को जितना हमारे बारे में बताएंगे तभी तो वो उनको देखना पसंद करेंगे, तो उनके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बनता है। तो सबसे पहले तो गाइस कमेंट करके बताना कि ये कैसी लग रही है। आप सबको पता है मैं तो इससे कमजोर लगता हूँ अभी भी, मैंने पता है थोड़ा थोड़ा सा बुरा, सॉरी मैंने कि अभी पता है कैमरे में फिल्टर नहीं लगा रखा है, सब कुछ बिना फिल्टर का कमाल है। और मैं थोड़ा सा कुछ नहीं कर रखा क्योंकि धूप में काम करता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ा, इसकी फेयर लवली मैंने लगा ली। तो फिलहाल तो शो करते हैं आज की बातें। ओ गाइज गाइज क्या बातें करने वाले तेरे यार, मैं भूल गया क्या बातें कर दी थी। कमेंट आया था ना, आपने पढ़े थे ना? कमेंट आया था यार, एक कमेंट किसी बहन ने किया था कि रानू रानू मतलब कॉलेज में कौन से ईयर पे पढ़ती है, तो बता कौन से ईयर में पढ़ती है। तो गाइस मेरा एमए फाइनल है रेगुलर, और बीएमए मेरा प्राइवेट ही था लेकिन इस साल मेरा एमए है। हाँ, रेगुलर एडमिशन है इसका, तो ये है। तो एमए पर एमए परवेश में ही है अपने पीजी कॉलेज में। और एक पूछा था कि आपके घर पे कौन कौन रहते हैं, तो मैं बताऊंगी। ये बताइए। तो मेरे घर पे मतलब हमारे मेरे ससुराल में है मेरे ससुर जी, मेरा देवर और मेरे हबीब और मैं, हम फैमिली मेंबर तो चार ही है। उसके अलावा मेरे तीन नंदे हैं, तीन बुआ सास है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, शादी हो गई तो घर पे हम तीन चार ही है, हम चार ही है घर पे। और फिलहाल अभी जो हमारे गाँव में है तो गाँव में घर पे ओनली पापा ही रहते हैं क्योंकि हम दोनों तो यहाँ बूंदी रहते हैं। और जो मेरा देवर है वो भी यहाँ पे रहते हैं किराए से रूम लेके, और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अभी उसके भी मतलब कॉलेज चल रहा है, फाइनल ईयर का। हाँ, कॉलेज चल रहा है और तैयारी भी कर रहा है। तो फिलहाल वो इतने टाइम से गाँव में था, पर अभी दो तीन महीने से वो यहाँ बूंदी आ गया। और हम दोनों है, आप सबको पता है हम दोनों यहाँ रह रहे थे क्योंकि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो गांव में तो रोज अप डाउन तो होगा नहीं। तो पापा अभी अकेले रहते घर पे, कोई नहीं है घर पे। तो और मम्मी है, जो मम्मी है ही नहीं क्योंकि मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे पर इतना मेरे को नहीं पता। और बता ये बताइए, और ये देख लो अभी ये कमेंट नहीं पड़े, ये पता है ऐसे नहीं बोलती है, ऐसे तो बहुत गाय बन के रहती है। पता है जब कैमरा नहीं होना आप नहीं मानोगे मेरी हालत खराब कर देती है। ओ ओ क्या ओ क्या सब गाय, आप लोग नहीं मानोगे यार, है ना, सच बता रहा हूँ। लव मैरिज मत करना भाई, लव मैरिज में बहुत लव मैरिज में बहुत चोज ले, ये खा जाती है लव मैरिज में लू यार, आप मानोगे। मैं मेरा मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में पता है अगर अपन ने मतलब कुछ भी जैसे इधर कुछ गिरा दिया, कुछ रख दिया ना, तो अरेंज ऐसा कुछ नहीं था, कोई लेडीज का कर दिया, मुझे पसंद नहीं है गंदगी और जगह जगह रहना, जाके जी जान रखा करो। हे भगवान, आप नहीं मानोगे मेरे को इतना खाती है ना, अगर मैंने कुछ खाके इधर रख दिया मतलब खाने में, मतलब अपन जो प्लेट पे अगर इतना सा कुछ खाने का वो बच जाएगा ना, तो उसमें भी कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया। सही में लव मैरिज मत करना, सही में आज तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चुप रहो, जैसे मेरी कर दी इसने। और गाइस जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब हमारी फ्रेंडशिप को बारे में बताएंगे कितने सारे हो गए। हां मतलब थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बहुत सारों को। हाँ यार मैं एक दो क्वेश्चन भूल गया, बहुत सारों ने बोला भी था कि रानू के घर वाले मतलब कहाँ है, रानू के घर वाले है कि नहीं है, ऐसी चीजें बहुत सारी मिली। तो यार ना 2K सब्सक्राइबर हो जाने दो, के होने के बाद में आप लोगों को सब बताएंगे, पर अभी इसमें थोड़ी सी बातें शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। ये रानू के जो घर वाले वो अलग रहते हैं। तो जब मैं सेकंड ईयर में थी, मेरा नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तब हमने तब है ना शादी थोड़ी की थी, मतलब तुम सब भूल गए। देखा गाइस लड़के सारी बात सब भूल गए, सच्ची में तो कुछ भी आ गया था, और सब आ गया था। बोल आगे, इधर पड़ता उधर पड़ता, आगे तब मैं आपसे मिलने जाती थी कॉलेज में,
आप कॉलेज में तो गाइस है ना, मैं कॉलेज पढ़ने जाती थी, उनसे बात तो डाकर सेकंड ईयर में थी तभी तो अपने शादी वेल माय डियर लेवल को डाकर सुनो मैं बात की ये देखो इसका आप ऐसा है ना, हमें समझ में गाली निकालते और हमें समझ में ना अभी यार इसको गाली निकालना हो गया गाइस, गाली होती है लव मैरिज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, बॉयज ऐसा होता है बदल जाते हैं सारी की बात अरेंज में तो गाइस ना चुप रहो। तो गाइस ना शादी के पहले जब मैं सेकंड ईयर में थी तो फिर मैं कॉलेज जाती थी तो मैं पढ़ने जाती थी लेकिन मैं क्लास अटेंड नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था क्लास कहां लगती है, वैसे भी ये जानते हैं क्लास अटेंड करने ये तो बुलाते ही थे कि मुझसे मिलने आओ। फिर हम बैठ गए जब एक जगह थी कॉलेज में, वहां पे सर्कल बन रहा था गोल गोल, फिर वहां पे बैठ के बहुत देर तक 2-3 घंटे तक बातें करते थे और फिर जब टाइम रहता था तो मैं घर चली जाती थी और इतने अच्छे मोमेंट थे ना गाइस मेरी लाइफ के। आई मिस हम लोगों का जो मिलना होता था ना, मतलब कभी जैसे 3 महीने में 4 महीने 5 महीने वो कॉलेज पे मिलते थे हम कॉलेज में, मतलब बातें जीते जो भी ये बातें होती थी और पता है फोन में तो हमारी बातें नहीं होती थी, बहुत कम बाय चांस फोन में बातें होती थी कभी कभार क्योंकि इसके घर वालों को पता लग गया था और मैं ऐसा मतलब नीचे करता मैं लाल बंजे लेकर गिर के बाहर बैठा रहता था, इसके घर वालों को डाउट रहता था। पुराने जमाने में बात करते थे वैसे कुछ अलग तरीके से होती थी लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे, मतलब क्योंकि सब्सक्राइब हो जाएगा ना तब आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे, फिलहाल हम पता है थोड़ा सा हिंट देते हम लोग बात के लिए सरप्राइज है, हम लोग नहीं वो चीजें हम दिखाएंगे, हम मैंने पूरी पता इसमें तो कुछ भी नहीं रखा, मैंने एक एक चीजें ना हमारी जो मतलब फ्रेंडशिप के टाइप की एक एक चीजें काउंट करके रख रखी है, छोटी सी छोटी चीजें भी मतलब जो इसने मेरे को दी थी और पता है हम बात कैसे करते थे, मतलब कौन सा जमाना होता है यार 1970 का मान लो सुनता है मेरे को नहीं पता 1970-1960 का मान लो जब मतलब ऐसे खत चलते थे ना, ऐसे खत में हमारी बातें होती थी, जो हमारा रिलेशनशिप था बहुत लंबा रहा उसके बाद फिर हम दोनों ने मतलब वही इसके घर वालों की प्रॉब्लम है वगैरह सब मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो फिर हम दोनों ने शादी कर ली, शादी कर और बताए जब यार जब ना हमने शादी की थी ना मतलब हमारा ऐसा कोई नहीं था तो अब इतना सा तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि तू क्यों होने के बाद बताएंगे इतना सा तो यार पता है इससे पूछना पड़ता है इतना सा तो बता मेरे को तो अपना कब डिसाइड हुआ था शादी करने का इसी टाइम का 2023 का था, इतना सा तो बता सकते हैं नहीं नहीं मैंने तो बोल रहा था 2023 तक शादी करेंगे, मैंने तुझे बोला था 2023 तो हाँ हमारा पहले से डिसाइड था, मतलब इसके घर वालों की प्रॉब्लम थी पर एक थी शादी तो मैंने बोला मैंने कि 2023 तक अपन शादी करेंगे क्योंकि यार मेरे भी घर की प्रॉब्लम थी बहुत सारी, मतलब सिचुएशन है बहुत ज्यादा पर इसके घर में कुछ इसके साथ प्रॉब्लम ऐसी होने लग गई ना क्योंकि अब इसके घर की वो चीजें तो बताई इसके मतलब इसकी स्टार्टिंग मतलब जो क्या बताऊँ यार वो इसके घर की प्रॉब्लम में नहीं बताना चाहूंगा चीजें, पर ये इसके दादा दादी के पास रहती थी और चाचा चाची वगैरह उनके पास रहती थी तो वो थोड़े से इसको टॉर्चर करने लग गए थे, जैसे मतलब दुकान जाने के नाम पे हर चीज में छोटी छोटी चीजों में टॉर्चर करने लग गए थे इसको, इसलिए इसके प्रॉब्लम होने लगी तो इसने मेरे से बोला तो फिर मतलब तभी हमने फिर 2000 तो हमने फिर शादी कर ली, नहीं तो हम अब जाके शादी करते 2023 में, हमारा पहले से डिसाइड था 16 अक्टूबर को हम शादी करते 16 अक्टूबर को या इसके बर्थडे के दिन 2023 पर वो मतलब इमरजेंसी में शादी करनी पड़ी। और फिर आप लोगों को बताऊं जब हमने शादी की नहीं यार आप नहीं मानोगे भाई, मेरे को आज भी वो दिन याद आते कसम से यार शादी करने के बाद तो मतलब मैं मतलब उन दिनों को याद नहीं कर सकता, मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी लव मैरिज करने वाला स्टार्टिंग में से अच्छे से नहीं रह पाता, मतलब वो जो सब उसको मिलना चाहिए वो सब फैसिलिटी नहीं मिल पाती, बहुत ज्यादा मतलब फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा। पता है मेरे पास उस टाइम में एक मतलब ग्रेड में काम करता था, मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रिशियन का जो होता है ना स्टेशन सब स्टेशन ये जो मतलब पावर हाउस होता है ना इलेक्ट्रिशियन का, इसमें मैं जॉब करता था जो भी मैं ओनली 5000 रुपए में जॉब करता था, तो पता है मैंने 4-5 महीने तो जॉब की उसका पेमेंट नहीं आया मैं इसी भरोसे, और जब मेरे को शादी करनी थी इसने मतलब डिसाइड हो गया था तो हम गए ना, मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी 1 रुपया, तो मैंने किसी से मतलब बहुत सारी चीजें तो तब तो हो गया था क्योंकि घर वालों ने साथ दे दिया था, उसके बाद आपको पता है शादी होने के बाद सेटल होना होता है तो यार, और ऐसा कोरोना उस टाइम पे तो इतनी मतलब क्या बताऊं यार, अगर आप लोगों मेरा एक ही कहना है कि अगर आप लोगों के पास मतलब बैकअप नहीं है ना जैसे पैसे वैसे का तो भाई लोग मेरे तो करना है मत, आप लोग मतलब बहुत सारी आपको सिचुएशनें देखनी पड़ेगी, मेरे को पता है ना मैंने क्या क्या मतलब फेस किया था, हमारे पास ना क्यूरे मोटी मतलब सब्जी लाने के पैसे नहीं होते थे, ऐसा तो लॉकडाउन में ऐसी मतलब जॉब कुछ भी नहीं है मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है यार, जब जॉब नहीं थी ना मैंने पता गई मैंने चाय की दुकान तक लगाई थी, मैंने कितने दिन तक लगाई होगी वो सब ठीक है लेकिन यार ये तो कोई बात नहीं होती ना, पैसे नहीं हो वो सब ठीक है लेकिन आप पहले से प्लानिंग करके रखो अगर आप लोगों को प्यार करना है लव मैरिज करनी है शादी करनी है तो हर चीज का पहले से प्लान होना चाहिए, अब मतलब मैं तो कुल मिला के नहीं कि लव मैरिज नहीं करना करनी चाहिए जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज होने के बाद आपको यूँ नहीं है कि मतलब यार हो सकता है 2 महीने तक आप लोगों को जॉब नहीं मिले 3 महीने तक नहीं मिले अच्छे से जॉब,
तो मतलब बैकअप होना चाहिए पैसे का 50 से 60 देखा है। तो आज हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने ना मेरा छोड़ा ना मैंने इनका छोड़ा, तो फिर आज हम सुखी भी है। तब हम किराए से रहेंगे ना, कोई दुख नहीं है आपको बता दूं। और अगर या तो ये मेरा साथ छोड़ देते या मैं छोड़ देती तो शायद कहीं क्या होता, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मतलब उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती थी यार गाइस, मतलब ऐसा ही तो लॉकडाउन ऐसे, हमारे पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सारे मतलब दूर लाने के पैसे नहीं होते थे 10 रुपए। सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा चीजें, पर मैं बता रहा हूँ, मैंने रूम किराया भी मेरा मोबाइल गिरवी रख रख के दिया है। और उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, कूलर नहीं था, फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं थी, प्लग नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी है ना। और आज बाइक भी नहीं थी, हाँ बाइक भी नहीं थी, की बजरंग बली की कृपा आशीर्वाद है, और सब सब मतलब कृपा है, सब टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, प्लग है, बाइक है, सब कुछ है। तो आपको तो पीछे मटना, आप तो कभी अगर जिससे जब प्यार करते हो किसी से तो उसके लिए सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, करना और यार ना और साथ देना। सच में आप नहीं मानोगे, मेहनत भी मैंने इतनी की है ना, मैंने मेरी जिंदगी मेहनत नहीं की होगी। मैं पता है मतलब पहले की बात है, जब मैंने शादी नहीं की थी उसके पहले, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मतलब मैंने सीरियल में काम किया है, बंधन सीरियल आता था GTV में, ठीक है, एक थोड़ा सा वो मतलब सीरियल में काम, चाहे मैंने मतलब जूनियर आर्टिस्ट का मैंने उसमें रोल किया था और रोल भी अच्छा था। तो आप सबको पता है अगर कोई बंदा मतलब सीरियल में काम कर रहा है यहाँ पे है ना, मतलब ऐसे यहाँ पे है तो एकदम से उसकी स्थिति ये हो जाती है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा होता है। मैंने चाय की दुकान लगाई है, मैंने यार कभी भी नहीं सोचा था जिंदगी में, मैं किसी टाइम पर सब्जी की दुकान से ऐसे मतलब सब्जी की जो थैली होती है ना वो पकड़ के नहीं आता था, मेरे को शर्म आती थी, और मैं घर से आटा लेके नहीं आता था कभी, ऐसे बहुत सारी चीजों मेरे को शर्म आती थी। जब लव मैरिज की शादी की ना, तो सारी मतलब पूरा जो भ्रम था ना लाइफ का वो सब कुछ टूट गया। चाय की दुकान मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी, मैंने चाय की दुकान लगाई यार गाइस, मैं चाय की दुकान के बाहर खड़ा होकर मैं रोता था, मेरे को आज भी वो चीजें याद है, और अभी भी जहां मैंने चाय की दुकान लगाई ना वहां से निकल रहा हूँ, मेरे को वही चीजें याद आती है। पर जो यार दोस्त है, देखो अभी मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने मेरा साथ दिया है, क्योंकि कुछ है जो अभी गवर्नमेंट भाई है जिसने मेरा साथ दिया, वो अभी गवर्नमेंट जॉब भी लग गया। एक है जिनको मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ, तो उन्होंने भी साथ दिया, फिलहाल मैं उनका अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी उनके मेरे थोड़ी सी ऐसे है, पर ठीक है जो भी है यहाँ है कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेरे दोस्त है ना उन्होंने मेरा साथ दिया है, मतलब इस चीज को कहना पड़ेगा, अगर दोस्त आपके अच्छे साथ देते ना तो ये चीजें सब मतलब बहुत सारी चीजें यार, ये सब कुछ है ना, आप लोगों को जब 2K सब्सक्राइब हो जाएंगे ना तब बताएंगे। बाकी ये कि आपका बैकअप होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लव मैरिज नहीं करनी। कमेंट में जरूर बताना कोई किसी से रिश्ता प्यार करता है और लव मैरिज करना चाहता है, तो प्लीज कमेंट में बताना कि कौन है जो। पर एक चीज है यार ना, मतलब मेरी इतनी बुरी सिचुएशन थी ना हमारे घर से लेकर यहाँ तक ना, बहुत ज्यादा मतलब इसने मेरा खूब साथ दिया, अच्छे से साथ दिया है, नहीं तो इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, सच बता रहा हूँ मतलब कब का छोड़ के चली जाती है सही में यार, मतलब सब्जी लाने के पैसे नहीं होते थे यार, मतलब बहुत सारी सिचुएशन है। जब गर्मी लगती थी ना हम दोनों को, तो वो मैंने पहले भी बताया था पहले के ब्लॉग में, मतलब टावले से गीले करके नीचे ओढ़ के उनको ओढ़ के सोते थे। गर्मी अभी भी लग रही है, आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं ना तो कूलर बंद कर रखा है। और आज पता है उस टाइम पे सिचुएशन आप लोगों को बता दो, इसको पता है उस टाइम पे गर्म गर्म पानी पीते थे अपन कूलर की गर्मी में, आज पता है गर्म पानी पीता ही नहीं आता, मतलब आदत ही ऐसी हो गई ना, मतलब ये है कि इंसान को मतलब हाँ इंसान को ना मतलब अपन अपने ऊपर है, मतलब इंसान को जैसा डाले ना इंसान वैसा हो जाता है यार। इसको रानू को पता है, बहुत सारों को मतलब मेरे जानने वालों को पता है, मैंने इतनी मेहनत की है ना गाइस, मतलब मेरा एक वो था मतलब ऐसे रहता था, मैं जब जॉब करता था ना काम करता था तो ऐसा रहता था कि जहां तक मतलब मैं फाइनेंस में मैंने काम किया था रिकवरी का, तो मैं सोचता कि जहां तक बाइक नहीं आएगी वहां तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाता था, अगर शाम तक नहीं आती थी मैं शाम तक कुछ भी नहीं खाता था, भूखा रहता था और दिन भर मेहनत करता था, और ऊपर वाले की कृपा है मेहनत से आज मतलब सब कुछ है, और यार दोस्तों की कृपा से दोस्तों ने भी खूब साथ दिया, और सभी काम मेहनत से होते हैं, किसी काम में ऐसा नहीं है कि कोई काम आसान है, सभी काम में मेहनत करनी पड़ती है, सभी को मेहनत करनी पड़ती है। तो वो देख मैं मजाक कर रहा था कि लव मैरिज मत करना, कोई बात नहीं करनी चाहिए, अगर पार्टनर आपका अच्छा साथ देने वाला है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि पता है इसने बुरे वक्त में मेरे को समझ के चला, और अभी आज भी इसको मैं गाँव में, अगर आप होनेस्ट है तो जरूर, और अभी जैसे ये गांव में जाती है, पता है हमारे गांव में क्या होता है, हमारे गांव में कभी जैसे अभी देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में, ऐसे गांव में ऐसे लेडी से नहीं रहती, मतलब बहुएं नहीं रहती, ठीक है ना, मतलब जो वाइफ होती है ऐसे नहीं रहती गांव में, पर पता यार इसने मतलब मेरे बुरे सिचुएशन में इतना साथ दिया है ना, तो मतलब आज ये घर पे ऐसे रहती है जैसे मतलब ऐसे हमारे घर पे मेरे पापा के लिए मतलब बहू है ही नहीं, मेरे पापा के लिए बेटी है, मेरे पापा इतना मानते हैं उसको बेटी की तरह मानते हैं। वैसे गाइस आपको शायद पता नहीं है लेकिन मेरे भी पापा नहीं है, इनकी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 2000 इसको मेरे घर, तो फिर मेरे को भी वो ऐसे रखते हैं जैसे पापा जैसे, तो फिर वही मुझे मेरे पापा लगते हैं, मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होती उनको देख के, मतलब इसको ना हमारे घर पे 1% भी ऐसा इसके मतलब इतना अच्छा रख
मैं खूब बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे पापा की जिंदगी सबके, पर इसको इसकी फैमिली की याद नहीं आती, ये है मैंने और इससे यही बात बोली थी। मैंने की तुम सॉरी मैंने की क्या यार थोड़ी थोड़ी हार्ड होती आ जाती है, मैंने इससे बोला था अगर मेरे पास आ रही है ना तो तेरे को कभी तेरे घर वालों की याद नहीं आने दूंगा, और वो अभी उसी बात में कायम हूँ और अभी तक वही चल रहा है, क्योंकि मतलब फैमिली मेरे बहन वगैरह इसको सब बहुत अच्छा रखती है, सॉरी बहुत अच्छा रखती है। और दूसरी चीज, हाँ एक चीज मेरे को आज भी याद है, मैं सॉरी बुरे वक्त के मैं बातें कर रहा था, इससे पहले मैं उस वाले रूम पे रहता था, इसकी फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, और मतलब उसकी शादी थी, मेरे को आज भी चीजें याद है, जब इसकी फ्रेंड की मम्मी हमारे रूम पे आई थी कार्ड देने, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई जना मतलब ऐसे नीचे पठान में मतलब एक जो था ना ऐसे एक पतली सी चादर वो बिछाने की थी वो, तो लेटे हुए थे, जब उसकी मम्मी आई ना मतलब वो देख के से मेरे को मतलब बहुत शर्म महसूस हुआ, और पीछे से मतलब बोला भी था उसकी इसकी फ्रेंड की मम्मी ने कि तूने ऐसा क्या देखा, पैसे वाला भी नहीं है वो नहीं, तो यार मैं ये चीज कहने जाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर देखो हर चीज मतलब सब कुछ पैसों से नहीं तोली जाती, एक वो भी होना चाहिए कि अगर लड़की है ना तो पैसा सब कुछ नहीं है भाई, है ना, हमें ना कमाएंगे भूखा नहीं रखेंगे, भूख हम रहेंगे भूखे, ठीक है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, उनकी जगह वो सही है, सब पेरेंट्स ये सोचते हैं और सब ठीक है, लेकिन बस मैं दुनिया अलग नजर से देखती हूँ, दुनिया को सबसे बड़ा पैसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं और इनको भी नहीं लगता, ऐसे क्या ये कुछ भड़काने वाली, क्या कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ छोड़ो, तो गाइस यार लव मैरिज करना कोई दिक्कत नहीं, वो एक मैं मजाक के तौर में कह रहा था, और लव मैरिज यार ना बहुत नाजुक रिश्ता है, मतलब इसको एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है, जैसे ये मेरे को समझेगी मैं इसको समझूंगा, अगर कोई छोटी से छोटी बात है ना, वैसे हम झगड़ते भी होते, क्यों खाती है मेरे को चुड़ैल की तरह से, मैं इतनी खाती है ना, मैं पहले बता रहा कुछ गिर जाएगा कुछ मतलब तो मेरी सिगरेट वैसे अच्छी है, एक साल हो गया सब कुछ छुड़वा दिया, मैं बिल्कुल मतलब जो मेरी पहले वाली लाइफ थी ना उससे मेरे को बिल्कुल चेंज कर दिया, और होना भी चाहिए, देखो यार हाँ, तो फिर ये बताओ ना कि मैं अच्छी बात की ना, मैंने कोई गलत नहीं किया, अच्छी की है, अच्छा क्या तू ऐसे के लिए अपनी लाइफ के लिए आपके फ्यूचर के लिए, और यार कुछ और आपके दोस्त भी कहते हैं बात ना, अरे दोस्तों मैंने आपकी लाइफ बहुत अच्छी कर दी, आपको बहुत सुधार दिया, आपके दोस्त मेरी लाइफ जो कुछ ही नहीं सुधारा, एक चीज वो जिम्मेदारी होती है यार, जब पता है पहले मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं थी, मैं इतनी नहीं मानता था, पर जब यार आप नहीं मानोगे, मैंने सीरियल में काम किया, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा वो मतलब ईगो आज दिन तक मैं ईगो लेके नहीं चला, पर एक बार यहाँ क्यों सब यार दोस्तों को पता कि मैंने सीरियल में काम कर रखा है, तो ऐसे मेरे को शर्म आती थी, मतलब कोई ऐसे तो एकदम अचानक से मैंने चाय की दुकान लगाई, तो यार मतलब पूरा मेरा वो भ्रम ही निकल गया, ऐसा कुछ भी मतलब कहते हैं ना कि इंसान को मतलब जो मिले ना वो खा लेना चाहिए, जो मिले ना उसमें खुश रहना चाहिए, और एक चीज वो है ना यार कि मतलब मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो मैं उसको मतलब अच्छे वे में लेके चलूंगा कि ये हो रहा है ना तो कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा होगा, क्योंकि इंसान को आगे से आगे संकेत मिलते हैं, और बाकी ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ खुश है, पर भगवान ने आज दिन तक यहाँ तक पहुंचाया ना यार, तो मैं एक ही चीज मानूंगा कि आज दिन तक मेरे को पता है किसी की मतलब खुशी देख के मेरे को, मैं कभी भी ऐसे जलेश टाइप का नहीं हुआ, मतलब किसी कोई तरक्की कर रहा हो, कोई किसी की खुशी हो रही हो, मतलब खुशी का कुछ हो या कुछ आ रहा हो, तो मेरे को कभी मतलब मेरे को यार सामने वाले की खुशी देखो मेरे को और खुशी होती है, और शायद ऊपर वाले ने यही कृपा मेरे ऊपर बना रखी कि आज दिन तक अभी तक जहाँ से मैं मतलब यहाँ से यहाँ तक आया हूँ ना, तो चल रहा है अभी चल ही रहा है, तो लो मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है, और ब्लॉग का ये एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से, फिर आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, वैसे मेरे को पता है पूरी स्टोरी बताऊंगा तो 3 पार्ट हो जाएंगे, तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो कमेंट जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय।